हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गुलकंद आइसक्रीम। समर सीजन में गुलकंद खाने से शरीर की गर्मी कम हो जाती है और पेट को ठंडक मिलती है। इसके लिए हम गुलकंद का क्रीमी और टेस्टी आइसक्रीम घर पे आसानी से बना सकते हैं। गुलकंद का आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने एक पैन में आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क उबालने रखा है। दूध थोड़ा गुनगुना होने पर हम थोड़ा दूध एक बाउल में निकाल लेंगे। दूध को अच्छे से उबाल आने तक गर्म करना है। दूध को अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें हम 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अब हमने जो साइड पे दूध निकाल के रखा था उस बाउल में 1.5 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। अब ये कॉर्नफ्लावर का घोल उबलते दूध में डाल दे रहा है और कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि ये नीचे तले पे चिपक न जाए। अब इसे ऐसे ही चलाते रहना है और 2 मिनट तक उबालना है। 2 मिनट उबालने के बाद इसमें आधा कप शक्कर ऐड करनी है और ऐसे ही चलाते रहना है। आप देख सकते हो कि शक्कर मेल्ट हो गई है और दूध भी गाढ़ा हो गया है। इसी स्टेज पे हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करने रख देंगे। अब हम एक बाउल में 1 कप व्हिप क्रीम लेंगे और उसे बीटर से बीट करेंगे। आपके पास बीटर ना हो तो आप मिक्सी में या ब्लेंडर से भी इसे ब्लेंड कर सकते हो। इसमें व्हिप क्रीम की जगह अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। क्रीम व्हिप करने के बाद हमने जो आइसक्रीम का बेस ठंडा करने रखा था वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आइसक्रीम बेस को बीटर से 2 मिनट तक बीट करना है। हमें गुलकंद फ्लेवर का आइसक्रीम बनाना है, इसलिए इसमें 2 टेबलस्पून गुलकंद डालेंगे और कलर के लिए इसमें 1/2 टीस्पून रोज इमल्शन डालेंगे। रोज इमल्शन ना हो तो इसमें 1/2 टीस्पून रोज इसेंस डालें और 2-3 बूंद रेड कलर डालें और अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक बीटर से बीट कर ले। अब ये गुलकंद आइसक्रीम बेस तैयार हो गया है। इसे एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे और ऊपर से एल्यूमिनियम फॉइल लगा के लीड से बंद कर देंगे और 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। एल्यूमिनियम फॉइल लगाने से आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं जमेंगे। आइसक्रीम फ्रीजर में रखने से पहले फ्रिज का टेम्परेचर मैक्सिमम करना जरूरी है। 2 घंटे के बाद मैंने फ्रीजर से आइसक्रीम निकाल लिया है। अब इसे दोबारा चर्न करेंगे। आप एक बार ही चर्न करके आइसक्रीम सेट करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन दूसरी बार चर्न करने से आइसक्रीम और भी फ्लफी और क्रीमी बनता है और खाने में भी बहुत क्रीमी और टेस्टी लगता है। आप देख सकते हो कि पहले से आइसक्रीम बेस ज़्यादा फ्लफी और क्रीमी हो गया है। अब उसी एयरटाइट कंटेनर में इसे ट्रांसफर करेंगे, एल्यूमिनियम फॉइल लगा के लीड को बंद कर देंगे और 8 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट करने के लिए रख देंगे। मैंने वापस उसी फॉइल पेपर से कवर कर दिया है। अब कंटेनर का लीड बंद कर देंगे और 8 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। 8 घंटे हो गए हैं। आप देख सकते हो कि कितना सॉफ्ट, क्रीमी और टेस्टी गुलकंद आइसक्रीम तैयार हो गया है। अब इसे हम सर्व करेंगे। ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी और कम खर्च में आसानी से घर पे बना सकते हैं। आप भी ये टेस्टी आइसक्रीम जरूर ट्राई करें
और कैसे बनाए ये कमेंट करके जरूर बताएं। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करें, जिससे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।